देर रात कैथल में हुई जोरदार बारिश के साथ आसमानी बिजली लोगों पर कहर बनकर बरपी। गौरतलब है कि देर रात कैथल में बारिश हुई और उसके साथ ही आकाश से आसमानी बिजली राधा स्वामी कॉलोनी के कई घरों और चंदाना गेट की एक फैक्ट्री पर भी गिरी। बिजली इतनी जोर से गिरी और एक बड़ा धमाका हुआ। इसमें कॉलोनी के आधा दर्जन से ज्यादा मकानों में लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि कोई जान की हानि नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से एक टीम ने नुकसान का जायजा लिया है। कॉलोनी के लोगों ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में सरकार व प्रशासन उनकी मदद करे। से कोई 9:30 बजे की बात है, घर पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो एकदम जोर सी आवाज आई, धमाका हुआ पूरा, LED उड़ गई उसमें और इन्वर्टर उड़ गया और जो सेट बॉक्स लगा होता है वो उड़ गया। तो काफी नुकसान हुआ। हाँ जी, बहुत नुकसान हुआ है। आसपास के जितने भी मकान थे सब में नुकसान हुआ है। सेट बॉक्स तो तकरीबन सभी मकानों का उड़ गया है और 8-10 मकानों की LED भी उड़ गई है, LCD भी उड़ गई है। बारिश एकदम तभी स्टार्ट हुई थी, बारिश स्टार्ट होते ही हुआ था ये धमाका। रात को 9:30 बजे बहुत ज्यादा तेज बिजली पड़ी और बिजली पड़ते ही मान लो एकदम से जैसे घर में झूमर की लाइटें टूट कर नीचे गिर गई, LED फूकी मारी और इन्वर्टर भी खत्म हो गया, साथ में ही लाइट चली गई सारी और बिजली फिटिंग में बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, अभी देख रहे हैं उसको। ये रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो बिजली गिरी है मेन सेंटर, इसमें ना जो छोटा भाई है मेरा विजेंद्र कुमार उसके मकान पर गिरी है ये, और इसमें इसका लगभग 2.5-3 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें उसका लेंटर मतलब बीच में लेंटर उखड़ा हुआ है, पानी की टंकी, सेटअप बॉक्स, इन्वर्टर और बिजली की पूरी फिटिंग जिसकी वायरिंग और स्विच सारे मतलब डैमेज है जिसमें से। कैथल से ब्यूरो, आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।